ओ हाय फ्रेंड्स, जब भी कोई कस्टमर आपके पास सबसे पहले आता है तो हो सकता है कि वो आपसे कंपनी के बारे में सवाल जवाब करे, है ना? तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप कॉन्फिडेंटली उसे हमारी कंपनी के बारे में बताएं। देखिए, हेल्थ कार्ड की शुरुआत मार्च 2011 में वर्ल्ड फेमस आईआईटी के दो स्टूडेंट्स ने की थी। एक का नाम है समीर महेश्वरी और दूसरे प्रशांत टंडन। कंपनी गुड़गांव में बेस्ड है और ये एक बड़ी फर्म ब्राइट लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड का पार्ट है। आज ये कंपनी इंडिया में स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली कंपनीज में से एक है। हेल्थ केयर के साथ साथ कंपनी काउंसलिंग की सर्विसेज में भी काम करती है। तो आइए इसके साथ ही एक नजर डालते हैं कंपनी के अभी तक के सफर पर। मार्च 2011 में healthcard.com लॉन्च हुआ, जो स्टार्टिंग में एक ऑनलाइन हेल्थ वेंडर थी, दूसरी कंपनीज के हेल्थ प्रोडक्ट्स को बेचा करती थी। उसके बाद दिसंबर 2011 में कंपनी को एक फंडिंग मिल गई। अगस्त 2012 में हेल्थकार्ट ने एक न्यू स्टेप लिया, अपना खुद का ब्रांड मसल ब्लेज लॉन्च किया। 2015 तक आते आते ना हेल्थकार्ट के खुद के ब्रांड्स प्रॉफिट दर्ज कर चुके थे और कंपनी भी ऑपरेशनल तौर पे प्रॉफिट शो करने लगी थी। दिसंबर 2015 में कंपनी ने हिमाचल प्रदेश में नए प्लान स्टार्ट किए। उसके साथ मसल ब्लेज का कस्टमर बेस 2 लाख हो चुका था। जनवरी 2016 में कंपनी को कैनवस मैगजीन में टॉप 10 वर्क प्लेसेस की लिस्ट में शामिल किया गया। उसी साल अगस्त के महीने में कंपनी ने हेल्थ कैटेगरी में गोल्ड कार्ड अवार्ड अपने नाम किया। 2017 में हेल्थ कार्ड ने अपना पहला सक्सेसफुल टीवी कैंपेन लॉन्च किया। उस वक्त कंपनी के ब्रांड्स पिछले साल के मुकाबले 2 गुना बिजनेस कर रहे थे। कंपनी ने अपने स्टोर्स की संख्या भी 11 से 38 कर ली थी। अब अगर कंपनी के बिजनेस वर्टिकल्स को देखें तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिलता है। सबसे पहले कंपनी ई कॉमर्स में healthcard.com और अदर ऑनलाइन स्टोर्स जैसे Amazon, Flipkart, इन सब के जरिए अपना बिजनेस करती है। कंपनी के पास 2 ब्रांड्स हैं इस वक्त, एक है मसल ब्लेज और दूसरा हेल्थकार्ट। कंपनी कंसल्टेशन में भी एक्टिव है, वो ब्लॉग्स, Q&A, आस्क मी एनीथिंग के जरिए वजन से परेशान लोगों तक पहुंच रही है। क्या आपको पता है कि हेल्थकार्ट कैसे काम करती है? हेल्थकार्ट अपना फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचाती है? हेल्थकार्ट का जो नेटवर्क है वो कितना बड़ा है? आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले पूरी दुनिया से रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, उसके बाद R&D लैब उस मटेरियल के जरिए नए प्रोडक्ट्स पर रिसर्च करती है। अच्छा, जो रॉ मटेरियल है उसे मशीन्स और कारखानों में यूज किया जाता है फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। एक बार सामान तैयार हो जाए तब उसका कस्टमर तक पहुंचने का सफर शुरू होता है। हेल्थकार्ट के प्रोडक्ट्स या तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से होलसेलर्स तक जाते हैं, जिसे हम B2B कहते हैं, या फिर हेल्थकार्ट के गोडाउन में, जो वेबसाइट और ऑनलाइन चैनल्स के जरिए बिकते हैं, या फिर हेल्थकार्ट के स्टोर्स तक पहुंचते हैं, और या फिर हाइपरमार्केट्स जैसे कि बिग बाजार, डीमार्ट, इसी तरह के कुछ और स्टोर्स भी। तो इन्हीं सब मीडियम्स के जरिए हेल्थकार्ट अपना फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाता है। हेल्थकार्ट का पहला ब्रांड है मसल ब्लेज, जो आज के टाइम में एक मार्केट लीडर है। मसल ब्लेज इंडिया का सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ब्रांड है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग इंडिया में ही हिमाचल के इंडस्ट्रियल टाउन बद्दी में होती है, जहां से फिर ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनल्स के जरिए कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। इसके पास 25% मार्केट शेयर है। इसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने भी अप्रूव किया है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की एक पूरी रेंज MB के पास 28 प्रोडक्ट्स की फॉर्म में है, साथ ही 74 SKUs भी हैं। पिछले 12 महीनों में 5 लाख कस्टमर्स ने इसके कुल मिलाकर 12 लाख यूनिट्स खरीदे हैं। अगर रिपीट वैल्यू देखी जाए तो एक कस्टमर सालाना 2.2 टाइम्स मसल ब्लेज को खरीदता है। वैसे मसल ब्लेज के बारे में इतनी सारी खास बातें करने के बाद अब इसकी पूरी जर्नी पर भी नजर डालते हैं। आई एम श्योर आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगी। देखिए, 2012 में ना ये मार्केट में सप्लीमेंट डिमांड के चलते लॉन्च किया गया। 2014 तक आते आते प्रोडक्ट मार्केट में अपने कदम जमाने लगा, अपना नाम बनाने लगा। 2015 तक कंपनी ने MB में इन्वेस्ट करके क्वालिटी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक पहुंचाया, सेल्स को बढ़ाने के लिए नए स्टोर्स खोले, और 2017 में मसल ब्लेज को एक पैन इंडिया ब्रांड बनाने के लिए TV, रेडियो, न्यूज़पेपर, इन सब में एडवर्टाइजिंग शुरू की गई ताकि ये हर घर का नाम बन सके। अब बात करते हैं हेल्थकार्ट के अगले प्राइवेट लेबल की, यानी
हेल्थ कार्ड की। देखिए हेल्थ कार्ड नाम से बिकने वाले प्रोडक्ट्स कम दामों में मिलने वाले जनरल हेल्थ सप्लीमेंट्स होते हैं। इनका रॉ मटेरियल यूएस और यूरोप से आता है। ये प्रोडक्ट्स भी FSSAI से सर्टिफाइड है। मेजरली ये हेल्थ और वेलबींग से जुड़े हुए प्रोडक्ट होते हैं, ना कि बॉडी बिल्डिंग या मसल बिल्डिंग से। मेन, विमेन, सीनियर सिटीजन्स कोई भी इसका इस्तेमाल इजीली कर सकता है। हेल्थ कार्ड के पास इन टोटल तकरीबन 43 प्रोडक्ट्स हैं विद 100 SKUs, जैसे कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छे माने जाने वाले सुपर फूड्स, प्रोटीन्स, विटामिंस, मिनरल्स, हर्ब्स, वेट मैनेजमेंट सप्लीमेंट्स। पिछले 12 महीनों में 2,00,000 कस्टमर्स ने इकलौते हेल्थ कार्ड के लगभग 6,00,000 यूनिट्स खरीदे हैं। हेल्थ कार्ड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स की जर्नी भी काफी इंटरेस्टिंग रही है। 2015 में सबसे पहले मसल ब्लेस की ही तरह दो नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया गया, इनक्रेडियो टू टारगेट वेट लॉस एंड हेल्थ वीटा टू टारगेट वेलनेस। 2016 में आगे जाकर इन दोनों प्रोडक्ट्स को मिलाकर हेल्थ कार्ड बना, जो एक नई पैकेजिंग में था। 2017 में हेल्थ कार्ड प्रोडक्ट्स को कंपनी ने ई कॉमर्स पोर्टल्स पर काफी पुश किया ताकि सेल्स को बढ़ावा मिल सके। तो ये थी हेल्थ कार्ड की पूरी जर्नी। वी विश कि आपको इंटरेस्टिंग लगी हो। और ये ऐसे ही पॉसिबल नहीं हुआ, कंपनी ने सालों तक दिन रात मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है, क्योंकि इस कंपनी में काम करने वाले लोगों का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, उनका एक ही मूल मंत्र है, एक्ट फास्ट, मतलब आगे बढ़ते रहो। थैंक यू एंड वी विश यू हैड अ ग्रेट टाइम विद अस। ऑल द बेस्ट टू यू।